सनातन धर्म में भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा आराधना बेहद शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इससे कर्ज समेत सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक माह में आने वाले शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह विशेष दिन शिव जी की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। दृग पंचांग के अनुसार अश्विन माह का आखिरी प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भौम प्रदोष व्रत रखा जाता है। भौम प्रदोष के दिन शिव जी के साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इससे मांगलिक दोष से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। कब है भौम प्रदोष व्रत? दृक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 15 अक्टूबर 2024 को सुबह 3:42 पर होगा और 16 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:19 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर 2024 को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर 2024 को शाम 5:51 से लेकर राति 8:21 तक प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजा सामग्री लिस्ट: फल, फूल, आक के फूल, मिठाई, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, आरती की थाली, गाय का घी समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। प्रदोष व्रत की पूजा विधि: भौम प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्वच्छ कपड़े धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें और मंदिर को गंगा जल से छिड़कें। शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, भांग इत्यादि अर्पित करें। शाम को प्रदोष काल में भी शिव पूजा करें और भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भौम प्रदोष व्रत के लाभ: धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। शनि की 7.5 और मांगलिक दोषों से भी मुक्ति पाने के लिए यह व्रत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी और भोलेनाथ की पूजा आराधना से आत्मविश्वास, ओज और तेजस्विता की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत कथा: हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी फल माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है।
एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने तीन बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने प्रियजनों के साथ में शेयर भी कर दें।